हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दिया हुआ है द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 37 सेंटीमीटर यूजिंग पाई इक्वल टू 22/7 फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। काफी बेसिक क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है द डिफरेंस बिटवीन सर्कमफेरेंस और रेडियस में 37 का डिफरेंस है, ठीक है, ये दिया हुआ है और हमें सर्कल के सर्कमफेरेंस को फाइंड करना है। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr माइनस रेडियस इक्वल टू, ये दिया हुआ है 37। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, r कॉमन आ जाएगा, दोनों जगह r है, ये r कॉमन आ गया तो बच गया 2π-1 इक्वल टू 37। पाई का वैल्यू हमें 22/7 यूज़ करना है, तो रेडियस बाहर है, 2 × 22/7 - 1 इक्वल टू 37, ये हो गया 44/7 - 1 इक्वल टू 37। फिर इसके बाद इधर लिखते हैं आर, एलसीएम लेंगे यहाँ पे, 7 यहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो 44 - 7/7 इक्वल टू 37। तो रेडियस 44 - 7 ये हो गया 37/7 इक्वल टू 37। तो रेडियस इक्वल टू 37 × 7, ये 7 चला गया ऊपर और ये 37 आ जाएगा नीचे, 37 कट गया, रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। सर्कल का रेडियस पता चल गया, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2πr, मतलब 2 × 22/7 × रेडियस, रेडियस का वैल्यू आया है 7 कट गया, 2 × 22 44 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अगर ये वीडियो समझ में आया तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।